नमस्कार, डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, प्रिंसिपल फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम भाषा शिक्षण के कौशलों में से पठन कौशल पर चर्चा करेंगे। पठन कौशल लिपिबद्ध संकेतों को देख करके पाठक के मन में जो प्रतिबिंब बनता है उसे पठन कौशल कहा जाता है। पठन में चिंतन की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है, अर्थात ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पहचान कर उनको मुख से उच्चारित किया जाना पठन के अंतर्गत आता है। पठन केवल किसी भी लिखित सामग्री या साहित्य को पढ़ना मात्र नहीं है। पठन के लिए आवश्यक है कि जो भी साहित्य, लेख, कहानी, कथा पढ़ा जाए उस पर पढ़ने के उपरांत अर्थबिंब बने और अर्थबिंब से चिंतन और मनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। पठन की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय शिक्षाविद रमन बिहारी जी के अनुसार शब्दों के उच्चारण मात्र को पठन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ और भाव को समझना भी आवश्यक होता है। इसी भांति डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। इन जाने माने शिक्षाविदों की परिभाषा के बाद हम पठन के महत्व पर चर्चा करना चाहेंगे। पठन व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा आजीवन एवं निरंतर चलने वाली विकासशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की आधार पठन है। पठन भाषा का वह महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ पर शिक्षण के चार प्रमुख कौशलों में से एक को समझा जाता है। पठन में दक्ष व्यक्ति ही वह व्यक्ति है जो शब्द भंडार का भरपूर उपयोग कर सकता है, क्योंकि पठन से केवल अर्थ समझना या किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करना नहीं है। पठन के उपरांत व्यक्ति के पास एक शब्दों का भंडार एकत्रित हो जाता है और शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। जब शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद शब्दों के प्रवाह होने लगता है और हम अपने पठन को भलीभांति कर सकते हैं। पठन एकांकी जीवन के लिए, या ये कहना अधिक उचित होगा कि जब हम अकेले होते हैं, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान एकांत क्षणों में, खाली समय में हम जब किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उससे हमारा पठन का विकास होता है और यह है एक आनंद देने वाली स्थिति होती है। पठन शिक्षण का महत्व विचारों को ग्रहण करने, उनका विश्लेषण करने एवं चिंतन में पठन का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि पढ़ने के उपरांत मनुष्य पढ़ी गई सामग्री से उसमें निहित विचारों को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण के उपरांत उस पर चिंतन करके पठन के योग्य सामग्री को आत्मसात कर लेता है। विद्यार्थी पठन में जितना अधिक दक्ष होगा, विषयों में उसकी उपलब्धि उतनी ही अधिक उच्च कोटि की होती चली जाएगी, क्योंकि पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि हमें हमारी बुद्धिलब्धि में वृद्धि करने में सहायक होती है। अकेले के पन की स्थिति में, जैसा कि मैंने अभी कहा, आनंद की प्राप्ति का माध्यम है पठन। पठन की प्रक्रिया, पठन का अर्थ, पठन की परिभाषा या पठन के महत्व के ऊपर चर्चा करने के उपरांत आवश्यक है कि हम पठन की प्रक्रिया, यानी पठन किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, इस पठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा करना आवश्यक है। पठन सही मायने में एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान एक यांत्रिक पक्ष है। पढ़ने के यांत्रिक पक्ष को प्रत्याभिज्ञान कहा गया है। इसमें शब्द की रचना अर्थात दृश्य तथा उसके उच्चारण अर्थात श्रव्य रूपों को समझ करके, दृश्य एवं श्रव्य यानी उच्चारण और रचना के रूपों को समझ करके उसके मानसिक बिंब की रचना की जाती है और उस रचना के उपरांत शब्द के रूप, उसकी ध्वनि और उसके अर्थों के सहयोग से हमारे मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है।
इस प्रतिबिंब से प्रत्याभिज्ञान की प्रक्रिया कहा जा सकता है। प्रत्याभिज्ञान अपने आप में एक आत्मसात किया गया ज्ञान है जिसे हम पठन में उपयोगी समझ सकते हैं। पठन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में जब हम चलते हैं तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण तथ्य और एक महत्वपूर्ण नियम हमारे सामने आता है, वो है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण किसी भी लिखित साहित्य और सामग्री का अध्ययन करने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत उसमें दक्षता ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उस पढ़ी गई सामग्री को पाठक उसका अर्थ ग्रहण कर ले। अर्थ ग्रहण करना मतलब उसके अर्थ को समझ ले। उस अर्थ को समझने के बाद पाठक उस अर्थ के ऊपर, उस सामग्री के ऊपर, उस विषय वस्तु के ऊपर या जो उसने पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन और मनन की अपेक्षा रखता है, क्योंकि अर्थ को समझने के बाद पढ़े गए सामग्री या जो हमने आत्मसात किया है, हमने जो अर्थ ग्रहण किया है, उस अर्थ ग्रहण की व्याख्या और उसके का विश्लेषण करना अति आवश्यक हो जाता है। पढ़ते समय विचारों और घटनाओं के क्रम को समझना भी अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ना केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने बौद्धिक स्तर में वृद्धि कर रहे हैं, ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, साहित्य को आत्मसात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करते समय आपको विचारों और घटनाओं को क्रम के साथ समझना होगा, क्योंकि किसी भी घटना और साहित्य या किसी कहानी को, किसी कविता को, किसी साहित्य को, संस्मरण को पढ़ने के लिए उसकी क्रमबद्धता अनिवार्य है और क्रमबद्धता के लिए अर्थ ग्रहण को समझना पड़ता है। पठन की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण के बाद हम जिन बिंदु की बात करेंगे वो है मूल्यांकन तथा प्रक्रिया। मूल्यांकन, एक अच्छा पाठक वही है जिसके द्वारा पढ़े गए साहित्य की घटनाओं, विचारों, चरित्र के मंतव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करने की इच्छा उत्पन्न हो। मूल्यांकन केवल उस साहित्य या उस लिखित सामग्री का नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षण में वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें पठन करने वाला या अध्यापक या अधिगम करने वाला व्यक्ति उस पढ़े गए साहित्य के मूल्यांकन से अधिक अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का मूल्यांकन करता है कि जितनी साहित्य, जितनी सामग्री को उसने पढ़ा, उस साहित्य और सामग्री से उसने कितना अर्थ ग्रहण किया, कितना प्रत्याभिज्ञान उसके अंतर समाहित हुआ। और इसके साथ साथ उच्च कोटि का अर्थ ग्रहण करने के लिए भी पाठक को मूल्यांकन का दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया का संयोग रहना आवश्यक है। मूल्यांकन के साथ साथ प्रतिक्रिया आवश्यक है। प्रतिक्रिया यानी एक पाठक किसी भी साहित्य को पढ़ता है, किसी भी कथा या कहानी को पढ़ता है, पढ़ने के ऊपर उसके अंतर एक प्रत्याभिज्ञान आता है। प्रत्याभिज्ञान में पूर्व में आप लोगों के साथ चर्चा कर चुकी हूँ कि प्रत्याभिज्ञान का मतलब है कि आप उसे यांत्रिक रूप से आत्मसात कर रहे हैं। उसके बाद आपने उसका अर्थ ग्रहण किया, उसका मूल्यांकन किया कि उसको उसका अर्थ ग्रहण कितना कर पाए हैं, कितना आप उस विषय वस्तु को समझ पाए हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया होता है कि पाठक द्वारा जो साहित्य, जो लेख, जो संस्मरण या जो भी पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया गया और पढ़ा गया, उसके पढ़ने के बाद उसकी अभिव्यक्ति क्या निकल के आ रही है, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कुछ पंक्तियों के साथ इसको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए प्रतिक्रिया किस तरह की होती है। मैंने एक वीर रस की कविता पढ़ी और मैंने कहा कि कदम बढ़े मदहोश हुआ जब नैन लड़े मृग नैनी से, मातृभूमि चित्कार उठी तुम आन बचाओ जल्दी से। माँ बाबा और बहना भैया निकल पड़े जब आंगन से, कदम बढ़ाकर तिलक किया जब उसकी सजी सुहागन ने। ये पंक्तियाँ जब मैंने काव्य की पढ़ी तो इन पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत मेरे मन में यदि वीर रस की भावना उत्पन्न होती है तो इसका मतलब हुआ कि उस पाठ्य सामग्री से मुझमें कुछ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही है। और वो प्रतिक्रिया, इसी बातें हम यदि प्रकृति के बारे में बात करते हैं, यदि हम वीर रस के बारे में बात करते हैं, यदि हम हास्य रस के बारे में बात करते हैं, तो जो जिस भी रस के बारे में या जिस भी विषय वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के उपरांत हमारी अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति क्या है,
या पाठक के रूप में यदि हम वाचन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो श्रोता की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है, ये बहुत ही आवश्यक है। पठन की प्रक्रिया में इसके बाद जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो एक अन्य तथ्य हमारे सामने, एक अन्य पहलू हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं अनुप्रयोग। पठन प्रक्रिया का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब किसी पुस्तक अथवा रचना को पढ़कर पाठक विचार, व्यवहार, कौशल, अभिरुचि तथा जीवन मूल्यों में विकास करने की दक्षता प्राप्त कर सके। मैंने कहा अभी अभी आप लोगों से कि पाठक विचार, विचार का मतलब है कि किसी भी साहित्य या किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उस विषय से संबंधित हृदय में, मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम दक्षता के साथ ग्रहण कर सकें। किसी भी पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, विद्यालयों में, किसी सामाजिक स्थलों पर, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, किसी संस्थाओं में बहुत ही अच्छे अच्छे सुविचार लिखे हुए होते हैं। उन सुविचारों को पढ़ने के बाद में हमें किस तरह की, क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या कभी हम उनको पढ़ करके हम क्या आगे बढ़ सकते हैं या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर है कौशल। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमारी अभिव्यक्ति का कौशल हमारा विकसित होता है और अभिव्यक्ति का कौशल जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही सहायक है। अभिरुचि, अभिरुचि की जब मैं बात कर रही हूँ तो अभिरुचि का मतलब होता है कि पाठ्य सामग्री को जब पाठक पढ़ता है और उसके शब्द, उसके भाषा, उसके वाक्य और उसके वर्ण विचार या वाक्य विन्यास जो होते हैं उसमें शिक्षक की, बालक की, पाठक की और पढ़ने वाले की जो है वो रुचि उत्पन्न होती है और वो पढ़ने के लिए आगे उसमें महत्वाकांक्षा जागृत होती है। इसके बाद में मैंने कहा जीवन मूल्य। जीवन मूल्य, हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे पाठ्य शिक्षा में जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी हम प्रतिदिन जीवन में समाचार पत्र हैं, कहीं विभिन्न स्तरों पर लिखे गए लेख हैं या आजकल जो मीडिया के द्वारा या जो हम कहें कि सामाजिक जो सोशल साइट्स हैं हमारी उनके ऊपर, व्हाट्सअप पर, वाइबर पर, इन चीज़ों पर जो हमारे सुविचार आते हैं, कुछ कुछ कोटेशंस आते हैं, उन कोटेशंस को पढ़ने के बाद में हमारे जीवन के मूल्यों का जो विकास होता है उनमें दक्षता प्राप्त जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुप्रयोग। पहले भी मैं कह चुकी हूँ और दोबारा इस बात को आपके साथ में बांटना चाहूँगी, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि दक्षता प्राप्त करने का मतलब है कि पढ़ने के बाद निश्चित रूप से पाठक के व्यवहार में, उसके विचार में, उसके भाव में, उसके कौशल में, उसके रुचि में और उसके जीवन मूल्यों में परिवर्तन आना चाहिए। पाठक पठन की प्रक्रिया के उपरांत अब एक शिक्षण में, भाषा शिक्षण में एक मुख्य चीज है कि पठन कितने प्रकार का होता है, पठन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं और किस तरह से पढ़ा जा सकता है। मुख्य रूप से जब पठन की बात करेंगे तो दो प्रकार के पठनों की परंपरागत बात होती आई है, एक होता है सहस्वर पठन और दूसरा होता है व्यक्तिगत पठन। इसके अलावा जो हमारे मुख्य पठन के प्रकार हैं और गौण पठन के प्रकारों की जब हम बात करेंगे तो एक हमारा आता है मौन पठन और दूसरा आता है हमारा संवेद पठन। मौन पठन, संवेद पठन, हमारा सहस्वर पठन और हमारा सामूहिक पठन, इस तरह के पठनों में से हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में सहस्वर पठन क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सहस्वर पठन, सहस्वर पठन में शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, यति, लाल, ताल, स्वर, विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर प्रभाव एवं प्रभाव के साथ पढ़ाने और पढ़ने की दक्षता का विकास किया जाता है। सहस्वर मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाएं जहां होती हैं वहां पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए हमें सहस्वर पठन की आवश्यकता होती है, जहां पर स्वर के साथ में विद्यार्थियों को शिक्षक, उनका अध्यापक ये एक निर्देश देता है उनके सामने। इसमें सहस्वर पठन में दो भागों में विभाजित करता है, प्रथम है आदर्श पठन और दूसरा है अनुकरण पठन। आदर्श पठन में अध्यापक और शिक्षक किसी भी
कविता को किसी भी एक पद्य और गद्य के पद्यांश और गद्यांश को स्वर के साथ में उसका आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन में अध्यापक इस बात का ध्यान रखता है कि वो शुद्ध हो, उच्चारण हो, उच्च स्वर में हो, उचित उसकी गति यति हो, लय के साथ हो, ताल के साथ हो और विराम आदि व्याकरण के जितने भी चिन्ह हैं, जैसे अर्धविराम कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करना है, इन सब चिन्हों को ध्यान में रख करके वो प्रवाह के साथ और प्रभावशाली तरीका इससे अपना आदर्श पठन प्रस्तुत करता है। आदर्श पठन के बाद में अध्यापक विद्यार्थियों को दो या दो से अधिक या सामूहिक रूप से उन विद्यार्थियों को स्वर पठन के लिए प्रेरित करता है, निर्देशित करता है और ऐसे में जो आदर्श वाचन प्रस्तुत किया गया है उसी गद्यांश या पद्यांश का विद्यार्थी उसी लय गति यति ताल स्वर के साथ में अनुकरण वाचन करते हैं। सस्वर पठन का महत्व बात ये आती है कि ठीक है, सस्वर पठन हमने कर लिया, इस सस्वर पठन की का महत्व क्या है, दैनिक जीवन की आवश्यकता। सस्वर पठन जो है वो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है, मतलब कि हम प्रतिदिन जो व्यवहार करते हैं और ये हमारे प्रतिदिन के व्यवहार की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी बात को पठन कहते हुए और किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए स्वर का ध्यान रखें, क्योंकि स्वर के साथ पढ़ी गई जो चीज़ होती है वो आवश्यक है और वो प्रभावशाली भी होती है। दूसरा हमारा पठन का जो महत्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है आत्मविश्वास की वृद्धि। जब हम किसी भी बात को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, उसे स्वर्ग में कहते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि हमने किसी से कहा कि आपका अभिनंदन है, आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, ये एक सेंटेंस हमने बोला और ये सेंटेंस या ये शब्द या इस वाक्य का उच्चारण करते समय व्यक्ति के या बोलने वाले के या वाचन करने वाले के या पढ़ने वाले के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास के बाद में बात करेंगे हम उच्चारण की शुद्धता। सस्वर में उच्चारण का विशेष महत्व है, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सस्वर पठन में स्वर यति गति लय ताल विराम आदि चिन्ह इन सब का बहुत महत्व है, क्योंकि उच्चारण यदि शुद्ध नहीं होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए उच्चारण की शुद्धता का महत्व है। मनोरंजन का साधन सस्वर पठन मनोरंजन का साधन है। आप और हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन गुनगुनाते रहते हैं, गाना गाते हैं, कविता पाठ करते हैं, कुछ पंक्तियाँ दोहराते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, इन सब में वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारे मनोरंजन के साधन में हैं और इसको हम सस्वर के रूप में पठन करते हैं। मौन पठन की आधारशिला, सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि सस्वर पठन जो है वो मौन पठन के लिए आधारशिला है। सस्वर में व्यक्ति लिखित सामग्री, लिखित साहित्य, लेख, कविता, कहानी, गद्यांश, पद्यांश, इनको स्वर के साथ में पढ़ता है, लेकिन जब मौन पठन किया जाता है तो उस मौन पठन के अंतर व्यक्ति के द्वारा उसे गहराई के साथ में चिंतन और मनन के साथ में आत्मसात किया जाता है। तो ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि सस्वर का पठन का जो महत्व है वह मौन पठन के आधार के रूप में है। अब हम बात करेंगे कि संवेद पठन का महत्व क्या है। संवेद पठन और सामूहिक पठन एक ही बात है। दो या दो से अधिक विद्यार्थी या अधिक मिलकर कर जब उच्च स्वर में पठन करते हैं तो उसे हम सामूहिक या संवेद पठन कहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में संवेद पठन का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जाता है, प्राचीन काल में और अभी भी प्राथमिक कक्षाओं में पठन का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि पहाड़े या अभी वर्तमान में जो टेबल्स हम गणित में याद करते हैं उनको संवेद स्वर में पठन कराया जाता है और संवेद स्वर में या कविता का पाठ कराया जाता है। छोटी कक्षाओं में अध्यापक या शिक्षक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है आदि चीज़ें बोलती है और उसके बाद में विद्यार्थियों से संवेद पठन करवाती है। इस विधि में दो या दो से अधिक विद्यार्थी बोलते हैं और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। इस समय
शिक्षक और अध्यापक कक्षा का निरीक्षण करते हैं और अनुशासन का ध्यान रखते हैं। इसमें एक और उदाहरण जो दैनिक जीवन में हम विद्यालयों में और पाठशालाओं में आपके और हमारे जीवन में होता आता है, वो है हमारी प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा में आप देखते हैं कि 2 या 4 या 10 विद्यार्थी आगे की पंक्ति में खड़े होकर के प्रार्थना बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं या जो भी चीज़ें हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इसको पढ़ते हैं और बाकी विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अध्यापक या वहाँ पर जो भी जितने भी शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारी हैं वो वहाँ अनुशासन का ध्यान रखते हैं। मौन पठन का महत्व, मौन पठन का क्या महत्व है? मौन पठन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि मौन पठन तीव्र गति से हो जाता है और तीव्र गति से होने के कारण इसमें समय की बचत हो जाती है। दूसरी, विद्यार्थी अधिक देर तक पढ़ सकता है क्योंकि विद्यार्थी को बोलने में मौखिक रूप से अपनी वाणी को अधिक देर तक उपयोग में नहीं लाना पड़ता है और उस समय उसको केवल अपने मस्तिष्क का ही प्रयोग करना पड़ता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अधिक देर तक पढ़ सकता है। मौन पठन में गहन अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि यदि हम मौन की जगह हम संवेत वाचन कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, एकांकी वाचन कर रहे हैं, स्वर में पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे गहनता के साथ नहीं होता है क्योंकि उस समय जो हमें याद है या जो हमारे सामने साहित्य है उस साहित्य को हम केवल वाचन करते हैं, उसको बोल देते हैं, लेकिन जब हम मौन वाचन करते हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ गहन अध्ययन में हमारा वो सहायक होता है। मौन पठन जो है वो हम में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करता है। स्वाध्याय यानी मौन पठन जो कर रहे हैं वो हम अपने विकास के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। उस समय हम अपने आप के अंदर ज्ञान को समाहित कर रहे हैं तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। कम समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि जब हम मौन पठन करते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपने अध्ययन पर रहता है, अपने पठन पर रहता है और ऐसे में हमारा ध्यान विकेंद्रित नहीं होता है, केंद्रित होता है और केंद्रित होने के कारण हम ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं और विद्यार्थियों में एकाग्रता विकसित होता है। ये बात तो मैं आप लोगों से पहले कह ही चुकी हूँ। अब हम जो मुख्य पठन में जो मुख्य चीज़ है, भाषा शिक्षण में पठन की जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो है इसकी विधियाँ, यानी पठन शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं और उन विधियों को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। पहली है वर्ण विधि। वर्ण के द्वारा हम पठन करते हैं, वर्णों को पढ़ते हैं, वर्णों को पढ़ने के बाद उस पठन विधि का हम सर्वप्रथम हमारी जो विधि आती है वो वर्ण विधि आती है, यानी वर्ण के द्वारा हमने पढ़ना सीखा। दूसरी विधि हमारी है स्वरोच्चारण विधि। स्वरोच्चारण स्वर के साथ उच्चारण करना, यानी मान लीजिए कि वर्ण विधि में हमने पढ़ा राम घर चला गया। अब राम घर चला गया इसको एक मैंने ऐसे पढ़ा और दूसरा मैंने स्वर और उच्चारण के साथ पढ़ा राम घर पर चला गया है, तो ये स्वरोच्चारण विधि हो गई। स्वरोच्चारण विधि के बाद में अगली विधि आती है वो होती है शब्द विधि। शब्द के द्वारा जब प्राथमिक कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ाते हैं तो शब्द के साथ पढ़ाते हैं। हमने विद्यार्थियों को श्रुतलेख में लिखा दिया नल पर पानी गया राम, ये शब्द हमने छोटे छोटे बताए और शब्द विधि में हमने बताया कि हमने 3 शब्द एक शब्द दे दिया, जिसमें हमने शब्द दिया विद्यार्थी को हमने कहा कि लिखिए पूजा घर और उस पूजा घर के बाद में हमने शब्द विधि से उसका पठन करवाया पूजा घर और माताजी पूजा घर में पूजा करती है, ये शब्द विधि हो गई कि शब्दों के साथ हमने पठन सिखाया उसका। उसके बाद में हमारी आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में जो लिखा गया है या जो बोला गया है अध्यापक या अभिभावक, माता पिता या मित्र, किसी के द्वारा भी यदि कोई बात कही गई है हमने श्रवण किया है उस श्रवण का अनुकरण करते हुए हम यदि वाचन करते हैं या किसी लिखी हुई पंक्ति को, किसी वाक्य को, किसी पद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण विधि के बाद में आती है हमारी संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में हमारा ये आता है कि कभी हम वर्ण, कभी हम स्वर, कभी हम शब्द और कभी हम अनुकरण, इन सब को एक साथ में मिला करके इन सब का सामूहिक रूप से प्रयोग करते हुए हम संयुक्त विधि से पठन की विधि का शिक्षण करवाते हैं। ध्वनि साम्य विधि, दो ध्वनियों
की साम्यता के साथ विधि, यानी जो ध्वनि निकलती है। ध्वनि से मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि भाषा शिक्षण जो है उसमें उद्गम स्थानों का बहुत महत्व है कि हमारी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकल रही है, मुख के कौन से भाग से वो ध्वनि बाहर आ रही है, और दो शब्दों की जो ध्वनि होती है उस साम्य विधि से भी पठन किया जा सकता है। वाक्य विधि, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा पढ़ाना। कहानी विधि, कहानी विधि का पठन में बहुत महत्व है। मैं आप लोगों के साथ में ये अपना अनुभव बांटना चाहूँगी कि मुझे आज भी कक्षा 9 के कथा संग्रह में पढ़ी गई नीम का पत्थर और दादी माँ और बैल या नौकर, ये सब कहानियाँ आज भी याद है। और वो कहानी जो विधि होती है वो हमारे पठन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उससे हमारे शब्द भंडार में तो वृद्धि होती होती है, साथ में हमारे ज्ञान और हमारी समझ और हमारे अनुभव में भी वो सहायक होती है। साहचर्य विधि, साथ साथ में किसी चीज़ को करना, साहचर्य विधि ये एक विधि है जिसमें हम पठन का विकास करते। यंत्र विधि, आपको ये सबसे अच्छी तरह से यंत्र विधि समझ में आ गई। आज ये जो कार्यक्रम हमारा डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए हो रहा है, इस डीएलएड के विद्यार्थियों में दूरदर्शन के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और आपका रेडियो के माध्यम से जो हमारा वार्ताएं होती हैं, हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, शैक्षिक चर्चाएँ होती हैं, विचार विमर्श होते हैं, वाद विवाद होते हैं, इन्हें हम पढ़ करके इसे हम यंत्र विधि कहते हैं। तो ये बात हुई हमारे पठन शिक्षण में कितनी प्रकार की विधियाँ होती हैं और इनको किस प्रकार से हम काम में लाया जा सकता है। आज के इस डीएलएड के जो भाषा शिक्षण का कार्यक्रम था, इस भाषा शिक्षण के कार्यक्रम में हमने आज पठन शिक्षण क्या है इस पर चर्चा करी। पठन शिक्षण को समझने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए और उसको भली प्रकार से जानने के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थी को ये जानना होगा कि पठन शब्द का अर्थ क्या है, पठन किसे कहते हैं, पढ़ना क्या है, पढ़ना किस हमारे कौशल के अंतर्गत आता है। अधिगम कौशल के अंतर्गत, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारा जो पठन है वो अधिगम कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में पठन का अर्थ क्या है, पठन के बारे में हमारे जो भारतीय और पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, इन्होंने पठन के बारे में क्या कहा है, क्या समझते हैं ये पठन क्या है, पठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम पढ़ें, किस लिए पढ़ें और पढ़ने की क्या उपयोगिता है, आवश्यकता जानना होगा। आवश्यकता के बाद में आता है कि पठन के उद्देश्य क्या है, पढ़ने से क्या होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं, विद्यार्थी हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो, समूह हो, हम जो भी दैनिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, प्रत्येक कार्य के गर्भ में कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित रूप से निर्धारित होता है। तो उन उद्देश्यों को जानना होगा कि क्यों पढ़ा जाए, किस लिए पढ़ा जाए, और उस पढ़े जाने के बाद में उद्देश्यों के बाद में आ जाता है कि पठन का महत्व क्या है, पढ़ने से क्या होगा, उसकी शिक्षा में क्या महत्व है, वो महत्व हम जानेंगे। महत्व जब हम जान लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया देखते हैं हम कि पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे पढ़ा जाता है और किस तरह से हम अपने उस पठन को आगे बढ़ाएं। इतना ये सब पढ़ने की, आपका पठन की आवश्यकता, महत्व, प्रक्रिया, विधि, ये सब चर्चा आज हमने इस प्रोग्राम में करी। मैं आप सबसे ये आशा रखती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। इन सब बातों के साथ में मैं आज अपने इस चर्चा को विराम देना चाहूँगी और आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।